इंडियन मार्केट में एसयूवी सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वहीं इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कार्स मौजूद है। इसी सेगमेंट में हमने आज की इस वीडियो में टाटा हैरियर एंड महिंद्रा थार को कंपेयर किया है। दोनों ही गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इस कंपैरिजन में देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहती है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनकी पावर एंड परफॉर्मेंस को। टाटा हैरियर में 2 लीटर क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 167 bhp की पावर एंड 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटो ट्रांसमिशन ऑफर किए गए हैं। हैरियर में सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन ही अवेलेबल है। वहीं महिंद्रा थार में 2.2 लीटर एमहॉग डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 130 bhp की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा थार में 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटो ट्रांसमिशन ऑफर किए गए हैं। थार में 4x4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। पावर ट्रेन के कंपैरिजन में टाटा हैरियर में ज़्यादा पावर वाला टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है, लेकिन महिंद्रा थार में 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन अवेलेबल है जो कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को ज़्यादा मजबूत करता है। डायमेंशंस कंपैरिजन, महिंद्रा थार के डायमेंशंस में इसकी लेंथ 3985 mm, विड्थ 1820 mm, हाइट 1920 mm, 2450 mm का व्हील बेस एंड 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं टाटा हैरियर में डायमेंशंस में इसकी लेंथ 4598 mm, विड्थ 1894 mm, हाइट 1706 mm, 2721 mm का व्हील बेस एंड 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। डायमेंशंस के ओवरऑल कंपैरिजन में दोनों कार सेम है। जहां हैरियर की लेंथ थार से ज़्यादा है, वहीं महिंद्रा थार की हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंपैरिजन, टाटा हैरियर में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। वहीं महिंद्रा थार में 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे मेन फीचर्स इंक्लूड है। सेफ्टी पर्पज से टाटा हैरियर में 6 एयरबैग मिल जाते हैं जबकि महिंद्रा थार में सिर्फ 2 ही अवेलेबल है, लेकिन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स हासिल हुई है। दोनों ही SUVs अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा सेफ है। मेन फीचर्स कंपैरिजन, महिंद्रा थार के मेन फीचर्स में फ्रंट हैलोजन हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, बोल्ड स्टाइल बम्पर, LED DRLs, SUV स्टाइल रियर स्टाइल टेल लैम्प्स विद थार बैजिंग, स्मार्ट टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्ट कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल, डिजिटल IMD एंड एडजस्टेबल स्टेयरिंग भी ऑफर किया गया है। वहीं टाटा हैरियर में फ्रंट प्रोजेक्टर एंड हैलोजन हेडलैम्प्स, LED DRLs, फॉग लैम्प्स, ORVMs विद साइट्रन इंडिकेटर्स, स्लिम डिजाइन रियर टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटीना, ऑल न्यू फ्लोटिंग टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्ट कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल स्टेयरिंग विद माउंटेड ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स एंड पैनारोमिक सनरूफ जैसे मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेन फीचर्स के कंपैरिजन में टाटा हैरियर महिंद्रा थार से काफ़ी बेटर है। प्राइस कंपैरिजन, महिंद्रा थार की एक्स शोरूम प्राइस 12.10 lakh टू 14.15 lakh रुपीज़ के बीच है। वहीं टाटा हैरियर की एक्स शोरूम प्राइस 13.99 lakh टू 20.45 lakh रुपीज़ के बीच है। इन दोनों ही कार्स के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको इन दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी इनके फीचर्स को देखकर और प्राइस को देखकर चूज़ करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको महिंद्रा थार या टाटा हैरियर से लेकर या इनके कंपैरिजन से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड और भी ऐसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।